हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशन्स आज के इस वीडियो में हम नीट सॉल्व पेपर्स की सीरीज़ में फाइलम एनिलिडा आर्थोपोडा मोलस्का इकैनोडरमेटा हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा से रिलेटेड अब तक जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिशन में पूछे गए हैं उसी को सॉल्व करेंगे इससे पहले हमने पूरी फिर से लेके आज कलमंदीज फाइलम से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था इसमें हम फाइलम एनिलिडा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी को सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए हम इनको दो पार्ट्स में कवर करेंगे अगर आप नीट एम्स जिपमर किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर बायोलॉजी बेस्ड किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा पहला क्वेश्चन है एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमी कॉर्डेट्स शेयर्स विद कॉर्डेट इज तो आपका फाइलम कॉर्डेट ऑफ फोर सब फाइलम्स में डिवाइडेड है फर्स्ट है हेमिकॉर्डेटा सेकेंड है यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं थर्ड है सिफेलोकॉर्डेटा और फोर्थ है वर्टिब्रेटा प्रीवियसली हेमिकॉर्डेटा को लोअर कॉर्डेट कंसिडर किया जाता है बट रिसेंटली इट इज फाउंडेड दैट जो नोटोकॉर्ड होता है हेमिकॉर्डेटा का वो ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है जबकि वो स्टोमोकॉड होता है ठीक है इसीलिए हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा से रिमूव करके एक इंडिपेंडेंट इन्वर्टिब्रेट फाइलम बना दिया गया ठीक है तो जो थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं एक कॉर्डेट होने के लिए या कॉर्डेट्स के जो थ्री इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं वो है आपका नोटोकॉड का प्रेजेंट होना और सेकेंड है डोर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का होना और इनमें फैरेंजिल ग्लिस गिल्स लेट्स प्रेजेंट होती है तो ये तीन बेसिक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ऑफ अ कॉर्डेट ठीक है तो जब हम हेमी कॉर्डेट और कॉर्डेट की कंपैरिजन की बात करें तो आपका हेमी कॉर्डेटा में कोई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है उसकी जगह एक्चुअली एक स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वहीं कॉर्डेट में एक ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया दूसरा है आपका वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है हेमी कॉर्डेट में और कॉर्डेट्स में आपके डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है वहीं आपके जो फेरेंजियल ग्लिस गिल्सलेट्स हैं वो दोनों हेमी कॉर्डेट और कॉर्डेट दोनों में प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा है एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमी कॉर्डिट शेयर्स विद कॉर्डिट्स यानी दोनों में ये चीज़ कॉमन है तो जो हमने थ्री बेसिक डिफरेंसेस देखे उसमें आपका फेरेंजिल गिल स्लिट्स जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा फेरेंस विद गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन बोथ हेमी कॉर्डिट्स एंड कॉर्डिट्स तो ये आपका करेक्ट आंसर है मैंने बहुत ही डिटेल में इस चीज़ को बताया है इसीलिए मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है बट वो टॉपिक इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि उस तरह के क्वेश्चन आपसे फिर कभी गलत नहीं होंगे ठीक है मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थोपोडा तो आपका फर्स्ट पॉइंट है काइटनेस एक्सोस्केलेटन तो ये एक यूनिवर्सल कैरेक्टर है फाइलम आर्थोपोडा का सारे आर्थोपॉड्स में काइटनेस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा बी है मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से होता है तो ये आपका आर्थोपोडा और एनिलेडा और कॉर्डेट्स ये तीनों में होता है तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें चेक करना है कि कौन सा कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट होता है आर्थोपोडा में सी है आपका पैरापोडिया तो आपका पैरापोडिया जो है ये एबसेंट होता है फाइलम आर्थोपोडा में पैरापोडिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका फाइलम एनिलिडा का एग्जाम्पल आपका नीरिस ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं ठीक है तो यही आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा और ऑप्शन डी की बात करें तो जॉइंटेड अपेंडेजिस तो आपका जो नेम है आर्थोपोडा वही आपका इस डेफिनेशन uh, को क्लियर आउट करता है जैसे ऑर्थोस का मतलब होता है जॉइंट और पोडोस का मतलब होता है फुट या अपेंडेजिजस इट मीन्स दीज आर द एनिमल्स विथ जॉइंटेड अपेंडिजेस तो आपका ए बी एंड डी ये तीनों ऑप्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ऑर्थोपोडा का सी नहीं है ठीक है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम तो हमें सारे इसमें से ऑप्शन देखते हैं और सारे ऑप्शन ऐसे हों कि ईच ऑप्शन में जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही फाइलम से बिलोंग करते हों तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ वाम ये एक एनिलिड है पिन वाम आपका एक निमिटोड है और टेप वाम आपका प्लाटी हेलमेंथीस है तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन हैं वो थ्री डिफरेंट फाइलम्स से बिलोंग करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं होगा नेक्स्ट आपका है आपका प्रॉन आर्थोपोडा है स्कॉर्पियन एक आर्थोपोडा है और लोकस्ट ये भी एक आर्थोपोडा है तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सारे के सारे जो एनिमल्स हैं इस ऑप्शन के वो सब एक ही फाइलम को बिलोंग करते हैं ऑप्शन सी देखते हैं स्पॉन्जेस तो आपके पोरीफेरा हैं सी एनिमोन एक सीलेंट रेट है और स्टारफिश आपका एक इकाइनोडर्म है तो ये भी नहीं करेक्ट है आपका ऑप्शन डी मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लास्मोडियम एक प्रोटोजोवन है अमीबा एक प्रोटोजोवन है बट मॉस्किटो इज एन ऑर्थोपॉड तो आपका ये भी ऑप्शन सही नहीं है तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रॉन्स स्कॉर्पियन एंड लोकास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द रिप्रजेंटेटिव ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा एस तो इसमें से जो आपका सिल्वर फिश है वो आपका एक औरपोड है सिल्वर फिश मतलब लेपिसमा ठीक है ये कॉमनली बुक्स के अंदर आपको एक स्मॉल इंसेक्ट्स कॉमनली पुरानी जितनी भी बुक्स लाइब्रेरी में रखी रहती हैं तो आप देखेंगे उसके अंदर तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है और उसमें यही सिल्वर की तरह एक फिश के स्ट्रक्चर की, की जिनमें टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं तो ये आपकी सिल्वर फिश एक ऑर्थोपॉड है जो कि प्रेजेंट होती है पुरानी बुक्स या फिर पुराने वुड या ऐसे मटेरियल्स में ठीक है uh, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा सिल्वर फिश नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर्स एंड इट्स फाइलम्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड वेर इज द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट तो यहाँ क्वेश्चन में आपके जो दिया है वो ये है कि कुछ एनिमल्स हैं और उनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनके फ्रंट में लिखे हुए हैं और उनका रिलेटेड फाइलम लिखा हुआ है तो इसमें से जो थ्री हैं वो करेक्ट हैं बट वन ऐसा एनिमल है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फाइलम मैच नहीं होते हमें उसी को सेलेक्ट करना है ठीक है तो वन बाई वन देखते हैं सबसे पहला है हमारा पाइला इसका जो आपका कैरेक्टर है वो है बॉडी सेगमेंटेड तो ये बॉडी सेगमेंटेड नहीं होते हैं ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं ठीक है तो और इनके जो माउथ होती है उसमें रेडुला प्रेजेंट होता है तो ये करेक्ट है और फाइलम मोलास्का के ये मेम्बर होते हैं ये भी करेक्ट है बट ऑप्शन ए बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है इनमें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का जो कि अपने रिलेटेड कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम से मैच नहीं करता है ठीक है अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं एसटीरियस यानी कि आपका सी स्टार या फिर स्टारफिश, फिश ये स्पाइनी स्किंड होती है ये करेक्ट है वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है ये भी करेक्ट है और ये इकानोडरमेटा है ये भी करेक्ट है साइकन एक पोरीफेरा है ठीक है इनमें पोर बेयरिंग ये एनिमल्स होते हैं और इनमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है और पेरी अमेरिकाना यानी कि आपका कॉकरोच इसमें जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं और काइटनस एक्सोस्केलेटन ये दोनों कैरेक्टर्स करेक्ट हैं और ये एक ऑर्थोपॉड है तो ये भी करेक्ट है तो आपका जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है पाइला इसी के साथ इसके कैरेक्टर्स मैच नहीं करते हैं ठीक है तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा जो कि रॉन्गली मैच दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड वाइल द अदर थ्री आर करेक्ट यहाँ पे आपके नोटोकॉर्ड से रिलेटेड ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से थ्री आपका करेक्ट है और एक टोटली totally रॉन्ग है तो उसी रॉन्ग वाले को हमें सेलेक्ट करना है तो सबसे पहला है इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एसीडियंस तो आपके एसीडियंस यानी कि सीक्स क्विट ये क्लास है यूरोकॉर्डेट का जिनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं आपका हर्डमानिया इसी क्लास का मेंबर है ठीक है यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं ये कैरेक्टराइज बाई होते हैं बाई नोटोकॉर्ड ठीक है और नर्व कॉर्ड जो कि इनके टेल रीजन में प्रेजेंट होता है टैटपोल लार्वा के ठीक है तो जो टैटपोल लार्वा इनका होता है उसी के टेल रीजन में प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज इसलिए इनको जो नाम यूरोकॉर्डेटा दिया गया है ठीक है तो ये आपका करेक्ट है इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल इन एसिडियंस दूसरा है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट फ्रॉग तो सारे वर्टिब्रेट्स में जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड वो अडल्ट स्टेज में आते आते वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है तो आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट है इट इज़ एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग तो आपका ऑप्शन सी ही रॉन्ग है ये ह्यूमस में प्रेजेंट होती है बट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज और ऑप्शन uh, डी है इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सिस तो एम्फियोक्सिस में जो कॉर्डेट्स के तीनों प्राइमरी या डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स हैं दैट इज प्रेजेंस ऑफ डोसल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड फेरेंजियल गिल गिल्सलिट्स एंड नोटो कॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे यही दिया हुआ इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फियोक्सिस तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है तो जो रॉन्ग ऑप्शन है आपका वह है ऑप्शन सी इट इज एबसेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द फिगर शोज फोर एनिमल्स ए बी सी एंड डी सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विथ रिस्पेक्ट टू अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू ऑफ दीज एनिमल्स तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में फोर एनिमल्स दिए हुए हैं और uh, उनसे रिलेटेड आपके फोर ऑप्शंस हैं और उन्हीं से रिलेटेड कैरेक्टर्स दिया है कि ये क्या कैरेक्टर्स मैच करते हैं तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ऑर्गेनिज़म्स कौन से हैं तो सबसे पहला जो आपका ए है वो आपका टेप है ठीक है फाइलम प्लाटी हलमथीज़ का मेम्बर ऑप्शन बी आपका ऑरेलिया है यानी कि जेली फिश ये फाइलम सील एंड का एक मम्बर है और ऑप्शन सी है ऑक्टोपस ये एक मोलस्क है और आपका जो डी ऑप्शन है वो है स्कॉर्पियन जो कि एक और है तो आपके इनसे रिलेटेड ऑप्शंस दिए हुए हैं जो हमें देखने हैं तो आपका दिया है ए एंड डी रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल तो ए एंड डी की बात हो रही है तो ए है आपका टेप वॉम और टेप वॉर्म में रेस्पिरेशन होता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस तो ए तो सही है और डी है आपका स्कॉर्पियन तो स्कॉर्पियन में रेस्पिरेशन होता है थ्रू बुक लंग्स ठीक है तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बी एन सी शोज रेडियल सिमेट्री तो बी है आपका ऑरेलिया सिलेंट्रेट इसमें रेडियल सिमेट्री होती है और सी है आपका ऑक्टोपस और ऑक्टोपस एक मोलस्क है और मोलस्क में आपके बायलेटरल सिमेट्री होती है तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा सी है ए एंड बी है नीडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस तो ए आपका है एक प्लाटी हेलमेंथ थी स्टेप वॉम इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और बी है आपका ऑरेलिया यानी कि एक सिलेंट्रेट इसमें निडोब्लास सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर ए नहीं मैच कर रहा इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं करेक्ट है डी है सी एंड डी हैव ट्रू सीलोम सी है आपका एक मोलस्क एंड डी है आपका एक ऑर्थोपॉड तो आपके मोलस्क और आर्थोपॉड इन दोनों में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है ठीक है तो एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स हैं सब में यू सिलोमेट कंडीशन है तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व्स बोथ एस माउथ एज वेल एस एन एस एस तो आपके ऐसे ब्लॉडी प्लान जिसमें सिर्फ एक ही आपके सिंगल ओपनिंग होती है जो आउटसाइड को ओपन होता है और माउथ और एनएस दोनों की तरह काम करता है इसको कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और ये प्लाटी हेलमेंट फाइलम में देखा जाता है तो आपका जो ऑप्शन है उसमें से आपका फैशियोला जो है वो एक ज है ऑप्शन डी तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा फैशियोला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टन गिवन एनिमल इज करेक्ट तो इसमें फोर ऑप्शन में से हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो आपका ऑप्शन ए है राउंड वॉर्म्स एस हेलमेंथीज आर सुडो तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है बी है मलस्क आर ए सिलोमेट्स तो मलस्क आपके यू सिलोमेट्स में आते हैं इसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स आर सूडो सिलोमेट्स तो ये भी रॉन्ग है इंसेक्ट्स भी आपके यू सिलोमेट यानी ट्रू सिलोमेट कंडीशन में आते हैं और फ्लैट वॉर्म्स यानी प्लेटी आर सीलोमेट्स तो ये रॉन्ग है ये आपके ए सिलोमेट्स होते हैं ठीक है तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा तो एनिलिडा से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दिए हुए हैं तो इसमें से हमको इसको चेक करना है तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो ये करेक्ट होता है ऑप्शन बी सेगमेंटेशन तो इनमें ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है मेटामेराइजेशन प्रेजेंट होता है ऑप्शन बी भी करेक्ट है सी है सूडोसिलोमेट कंडीशन तो ये रॉन्ग है इसमें यू सीलोमेट कंडीशन यानी कि ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है तो आपका ऑप्शन सी ही है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है एनिलिडा का और ऑप्शन डी है वेंट्रल नर्व कॉर्ड तो ये भी करेक्ट है वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है तो आपका जो ऑप्शन है जो मैच नहीं करता है वो है ऑप्शन सी सूडोसिलोमेट इट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनिलिडा ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज़ ट्रू अबाउट नीरीज स्कॉर्पियन काकरोच एंड सिल्वर फिश तो यहाँ पर आपके फोर ऑर्गेनिजम्स दिए हैं और इनसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो हमको चेक करना है तो आपका सबसे पहला है दे ऑल प्रोसेस डॉर्सल हार्ट तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं नन ऑफ देम इज़ एक्वाटिक तो इसमें से जो आपका नीरज है ये एक्वाटिक होता है ठीक है तो ये भी आपका एक रॉन्ग ऑप्शन है और सी दे ऑल बिलोंग टू द सेम फाइलम ये रॉन्ग है आपका नीरे से एक एनिलिडा है स्कॉर्पियन कॉकरोच सिल्वर फिश ये ऑर्थोपॉड्स हैं तो ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है और डी है दे ऑल हैव जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडिजेस तो जितने भी ऑर्थोपॉड हैं उनमें जॉइड पेयड अपेंडिजेस होंगे और आपका नीरे से एक एनिलिडा है तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा बट ऑल ऑफ देम हैव डॉसल हार्ट तो ये पॉइंट आपका करेक्ट है ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन सेंट्रीपीट कॉकरोच एंड क्रैब आर तो इनके दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखने हैं जो ये इन तीनों में प्रेजेंट हूँ तो आपका सेंट्रीपीट जो है वो चिलियोपोडा क्लास का मेंबर है फाइलम आर्थोपोडा के वहीं काक्रोच आपका इंसेक्टा क्लास का है और क्रैब आपका मीरोस्टोमेटा क्लास का मेंबर है फाइलम आर्थोपोडा के तो जो एक यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक है आपकी फाइलम औरथोपोडा की वो है जॉइंटेड अपेंडिजेस एंड काइटनेस एक्सोस्केलेटन का प्रेजेंट होना ये सारे ऑर्थोपॉड्स में प्रेजेंट होता है तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा वहीं अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो आपके ग्रीन ग्लैंड और ट्रैकिया की बात है यानी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की तो आपकी जो सेंट्रीपीड है उसमें ट्रैकिया होता है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कॉकरोच में ट्रैकिया और क्रैब में आपके बुक गिल्स होता है तो ये नहीं सही होगा फिर बुक लंग्स एंड एंटीना ये भी नहीं सही है और कॉम्पाउंड आइज एंड एनल सिराई तो ये भी करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाई रेडियल सिमिट्री एंड लैक ऑफ नीडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ तो आपके फाइलम टीनोफोरा में बाई रेडियल सिमिट्री होती है और इनमें स्टिंगिंग सेल्स या नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं जिसकी जगह पे इनमें लासो सेल्स प्रेजेंट होते हैं टीनोफोरा आपका एक माइनर फाइलम है जिसको कॉमनली सी वॉलट और कॉम जेलीस कहा जाता है और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं आपके जैसे टीनोप्लाना बेरोई इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टीनोप्लाना एंड बेरोई जिसमें बाय रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं ठीक है तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटामेरिक तो सेगमेंटेशन यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन ऐसा सेगमेंटेशन जो कि आपका बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से डिवाइड करता है तो आपका फ़ाइलम और में देखा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन ठीक है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंड इट्स थ्री एग्जाम्पल्स तो यहाँ ऑप्शंस में फाइलम दिया है और उनसे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिज़म्स हैं वो दिया हुआ है तो हमें ये मैच करना है कि, कि किस फाइलम में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं तो आपका प्लेनेरिया यानी डुजेसिया आपका एक प्लाटी हेलमिनथीस है सिस्टोसोमा आपका ब्लड फ्लू के एक प्लाटी हेलमेंथीस है और आपका एंट्रोबियस एंट्रोबियस यानी कि पिन वाम सीट वाम इसे कहते हैं ये फाइलम एस हलमेंथीज का मेम्बर है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा नेक्स्ट देखते हैं मुलास्का फाइलम से आपके लॉलीगो जिसको स्क्विड कहते हैं और आपका दूसरा है टेरिडो इसको शिप वाम कहते हैं और ऑक्टोपस आपका डेविल फिश तो ये तीनों आपके मुलास्क हैं तो आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा सी ऑप्शन देखते हैं तो पोरीफेरा में आपका स्पॉन्जिला करेक्ट है यूप्लेक्टिला ये भी करेक्ट है बट पेनीचुला पेनीचुला आपका एक सीलेंट ट्रेट है ठीक है जो एंथोजोवा क्लास का मेम्बर है इसको कॉमनली सी पेन कहते हैं ठीक है तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग होगा ऑप्शन डी है निडेरिया तो निडेरिया में आपके बोनीलिया नहीं आता ये एक एनिलिडा है और आपका फाइसेलिया और ये दोनों आपके सिलंट्रेट हैं यानी निडेरिया क्लास के निडेरिया फाइलम के मेंबर हैं तो आपका जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट होगा मोलस्का लॉलीगो टेरिडो एंड ऑक्टोपस आर मेंबर्स ऑफ सेम फाइलम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एनिमल विथ बायोलेट्रल सिमिट्री इन यंग स्टेज एंड रेडियल पेंटामेरस सिमिट्री इन द ए अडल्ट स्टेज बिलोंग टू द फाइलम तो आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जो आपका लार्वल स्टेज या यंग स्टेज होता है उसमें आपके बाइलेटरल सिमेट्री होती है वहीं अडल्ट में रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ऑर्थोपोडा हेड एंड थोरेक्स आर ऑफन फ्यूज टू फॉर्म सिफेलोथोरैक्स बट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज द बॉडी डिवाइडेड इंटू हेड थोरैक्स एंड एबडोम यानी यहाँ ऑप्शंस जो है वो सारे ऑर्थोपॉड्स हैं तो आपके वो ऑर्थोपोड्स जिसमें हेड थोरैक्स फ्यूज़ करके सिफालोकॉर्डेड बना लेता है बट कुछ ऐसे भी क्लासेस हैं जिसमें ये हेड थोरैक्स और अब्डामन बिल्कुल अलग होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं तो आपका क्लास क्रस्टेशी यानी कि प्रॉन और आपका क्लास मारियापोडा यानी जिसमें सेंट्रीपीड आती है इन दोनों क्लासेस में आपके जो हेड थोरैक्स होता है वो फ्यूज करके सिफालोथोरैक्स बना लेता है वहीं अगर हम इंसेक्टा की बात करें तो इंसेक्टा एक ऐसा क्लास है फाइलम फाइलमार्थोपोटा का जिसमें हेड थोरैक्स और एबडामन सेपरेट होते हैं और वहीं आपके क्लास एरेकनेड की बात की जाए जिसमें स्पाइडर और स्कॉर्पियन है तो इसमें जो इनका थोरासिक रीजन होता है बॉडी हेड थोरैक्स और एबडामन में डिवाइडेड होती है और थोरेसिक रीजन इनका डिवाइडेड होता है प्रोथोरैक्स मिसोथोरेक्स और मेटाथोरैक्स में इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए क्लास इंसेक्टा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड अ सर्टन फिनोमिनन इट एग्जिबिट्स यानी एक पर्टिकुलर एनिमल है और उससे रिलेटेड जो फिननननन उसके लाइफ साइकिल में है वही यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं जो हमें करेक्टली सेलेक्ट करना है तो आपका सबसे पहला ऑप्शन है टीनिया पॉलीमॉर्फिज्म। तो टीनिया आपका प्लाटी हेलमेंथीस का मेंबर है और इसमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता पॉलीमॉर्फिज्म हो, मॉरफिज़्म आपके सीलेंट्रेट्स में देखा जाता है यानी जो लाइफ साइकिल है वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में डिवाइडेड होती है जैसे कि आपकी मेड्यूसा है पॉलिप है तो ये आपके फाइलम सीलेंट्रेट में होता है वहीं टीनिया की बात की जाए तो टीनिया में एक, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है स्ट्रॉबिलेशन यानी कि जो इनके पोस्टीरियर सेगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं ठीक है जो आपका इमेच्योर सेगमेंट है मेच्योर सेगमेंट है और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स हैं ठीक है तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा ऑप्शन बी है फेरेटिमा सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म तो आपका जो फेरेटिमा है इसमें सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता है ये हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है यानी इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन अ सिंगल बॉडी ठीक है ऑप्शन सी है मस्का डोमेस्टिका यानी कि आपका हाउस फ्लाई इसमें कंप्लीट मेटामॉरफोसिस देखी जाती है ये ऑप्शन आपका करेक्ट है कंप्लीट मेटामोरफोसिस जिसे होलोमेटाबोलस डेवलपमेंट भी कहते हैं इसमें आपका एग लार्वा में चेंज होगा फिर लार्वा प्यूपा में और फिर प्यूपा फाइनली अडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो यही होती है कंप्लीट मेटामोफोसिस इसमें आपका हाउस फ्लाई के साथ मॉस्किटो बटरफ्लाई मॉथ ये सब हैं ऑप्शन में तो आपका हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दे तो ये चारों जो एनिमल्स हैं इन्हें याद रखिएगा हाउस फ्लाई मॉस्किटो बटरफ्लाई एंड मॉथ ये सभी कंप्लीट मेटामोरफोसिस शो करते हैं तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी है कैमिलियन शोज मिमिक्री तो कैमिलियन आपकी मिमिक्री नहीं कैमोफ्लेज शो करता है मिमिक्री और कैमोफ्लेज ये दोनों डिफेंसिव मैकेजम्स हैं ये एक ऐसा अडेप्टशन है जिसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करता है मिमिक्री की बात करें तो ये आपका मॉर्फोलॉजिकल हो, हो सकता है यानी बॉडी के स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो सकता है विजुअल हो सकता है ऑडियो हो सकता है यानी आप इस तरीके से अपने बॉडी को या फिर अपने स्ट्रक्चर को चेंज करें ताकि वो किसी मोर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स की तरह लगे ठीक है यानी एक लेस हार्मफुल ऑर्गेनिज्म किसी अदर मोर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स की तरह अपने आप को मिमिक करता है ताकि जो भी प्रेडेटर है वो उसे ईजिली छोड़ दे ठीक है वही कैमोफ्लाज का मतलब होता है कि जब आप सराउंडिंग एन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने कलर और फॉर्म्स को चेंज कर लें तो वो होती है आपकी मिमिक्री ठीक है तो आपका जो कैमिलियन है वो अपने बॉडी कलर को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एन्वायॉयरमेंट तो इसको कहते हैं कैमोफ्लाच इसलिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है मस्का कंप्लीट मेटाम ये ऑप्शन करेक्ट होगा इन इन ऑफ द फॉलोइंग नोटो कॉर्ड इज प्रेजेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज तो आपके सभी कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटो कॉर्ड प्रेजेंट होता है जो कि आगे भी लाइफ में कंटिन्यू हो सकता है अडल्ट फॉर्म में बट ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हर हाल में प्रेजेंट होता है इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑल कॉर्डेट्स

तो आपका हीमोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है फाइलम मोलस्का के प्लास्मा में जब ये डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन में होता है तो ये कलरलेस होता है और जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ठीक है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मोलस्क अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सेल टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ तो आपका फाइलम प्रोटोजोआ में ए सेलुलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वहीं आपका पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है सीलेंट्रेट्स में सेलुलर टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हाइड्रा और आपके प्लाटी हेलमेंथिस में आपका टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो यहाँ क्वेश्चन में सेल टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये आपका सीलेंट्रेट्स में देखा जाता है ऑप्शन बी हाइड्रा करेक्ट होगा तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व किए हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फाइलम एनिलडा से लेके फाइलम कॉर्डेटा तक की नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसे एक ही वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है तो हम नेक्स्ट वीडियो भी सेम इसी टॉपिक पर कवर करेंगे जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे इसलिए स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियोस का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ चिल्ड्रेन टेक केयर एंड गुड बाय